देवेश वर्मा जी, जिस बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा था वो हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है मनीष सिसोदिया की। तो अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने स्कैम किया है, अगर आपने पैसे खाए हैं, अगर आपने दिल्ली के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया है, तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मेरे को तो लगता है धीरे धीरे पूरी दिल्ली सरकार अभी तिहाड़ जेल से ही चलाएगी सरकार। पहले ही उनके एक मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, वहां पे जेल में पड़े हैं। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि उप मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं और मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब से सरकार बनाई दिल्ली में, उसने अपने पास में एक भी विभाग नहीं रखा। तो आज जो सारे विभाग हैं वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ के बाकी सारे मंत्रियों के पास में उप मुख्यमंत्री के पास हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन ही नहीं करते हैं। ये साइन वो अपने मंत्रियों से करवाते हैं, अपने मंत्रियों से घोटाला करवाते हैं। तो जो जेल जाएगा उनके मंत्री जाएंगे। इसलिए आप आम आदमी पार्टी एक वो सुबह से विक्टिम कार्ड खेलने में लगी हुई थी। महात्मा गांधी जी के दर्शन कर रही थी, अपनी माता जी के साथ में फोटो खिंचवा रही थी। ये सब ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने स्कैम किया है, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया होता तो आप ये सारा ड्रामा नहीं करते। आप सीधा जांच एजेंसी के पास जाते, उनको अपनी बात रखते, वापस आ जाते। अगर आपने स्कैम किया है तो आपको जेल जाने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। किसी कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी आप अपना परिक्रमा कर लीजिए, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो मनीष सिसोदिया अच्छे से जानते हैं, और वो आज तक, मैं हमेशा आम आदमी पार्टी से एक ही अपना जवाब पूछता आया हूँ, और अगर आप कोई आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता को आज अपना लेते हैं चैनल पर, उनसे पूछिएगा कि आपने दिल्ली के रेवेन्यू में, आपने दिल्ली की लिकर पॉलिसी में जो आपने 2% से 12% कमीशन बढ़ाया, वो क्यों बढ़ाया? इनके पास में आज तक इस बात का जवाब पूरी आम आदमी पार्टी आज तक नहीं दे पाई है। और ये एक ही लाइन में पूरा स्कैम है कि इन्होंने जो L1 का कमीशन 2% से 12% बढ़ाया, वही स्कैम है। उसी के पहले जो कमीशन 2% होता था, इन्होंने ऑफिशियली उसको 12% कर दिया, और 12% करने के साथ साथ ये उसमें से 6% का 8% का किकबैक लेते थे कैश में, और उसी पैसे से इन्होंने पंजाब में, गोवा में जाके चुनाव लड़ा। आज तक आम आदमी पार्टी इन्होंने कमीशन क्यों बढ़ाया इस बात का जवाब नहीं दे पाई है, और यही सारा घोटाला है। इसलिए आम अब सारी जितनी भी लोगों को आज तक पकड़ा गया है, वो सारे इशारा करते हैं कि मनीष सिसोदिया इसका मास्टरमाइंड है, इसलिए उनको जेल जाना ही पड़ेगा। आज जो ये सुबह से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अपना गिरफ्तार होंगे, इन्होंने स्कूल बना दी एजुकेशन, अरे भैया कोर्ट आपसे फिजिक्स में पूछेगी कि आपने घोटाला क्यों किया, तो आप ये बात कोर्ट को नहीं कह सकते कि हमने तो स्कूल बना दिए। अगर आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब केमिस्ट्री का नहीं दे सकते। इसलिए बात को घुमाइए नहीं, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, ये बात करने से अच्छा आप ये बताइए आपने 2% से 12% क्यों इसका कमीशन बढ़ाया। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी पूरा मामला बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है, चैलेंज के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देख रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी में सबको दबाने की कोशिश। मैं आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, ये भारत देश है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई श्रीलंका नहीं है, ये भारत है जो दुनिया में आज एक बहुत बड़ी शक्ति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो देश है, यहाँ पे कानून व्यवस्था से सब कुछ चलता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोपरि है, कानून चलता है, लोकतंत्र है। जब कोर्ट इनके फेवर में कोई फैसला दे देती है तब तो ये उसका स्वागत करते हैं, जब कोर्ट इनके अगेंस्ट में कोई फैसला दे देती है तो ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो आप कानून मानते हैं या नहीं मानते, आपको ये अपना डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़े दिन में तो ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली सरकारी थी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।